सो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? आज हम लोग यहाँ मैच खेलने आए थे। ये आप पीछे देख सकते हो, भाई लोग सब मैच खेल रहे हैं। और यहाँ से क्या हुआ था कि मेरा प्लानिंग था कि मैं आऊँगा, मैच खेलूँगा, लेकिन फिर क्या हुआ भैया, मैच कैंसिल हो गया। और जिनसे मैच होने वाला था वो लोग आए नहीं, इसलिए फिर मैं सनी से बोला बैग लेके आया, मेरे कपड़े वगैरह इसमें लेके आया। अभी मैं, सनी, संयोग भैया जा रहे हैं विट्ठल मार्केट, थोड़ा काम है। उससे पहले थोड़ा जाएंगे 10 नंबर, संतोष आएगा वहाँ पे, चाय वगैरह पियेंगे, और इसके बाद हम लोग निकलेंगे विट्ठल मार्केट, थोड़ा काम कराएंगे। और विट्ठल मार्केट में काम अगर जल्दी हो गया, इसके बाद हम लोग निकलेंगे मॉडल ग्राउंड। तो वहाँ थोड़ा जो गाड़ी की मॉडिफिकेशन है उसका देखेंगे क्या कितने रुपये में हो रहा है, अगर कम में हो रहा हो तो आज ही करा लेंगे। तो चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। अभी हम लोग डायरेक्ट विट्ठल मार्केट आ गए, क्योंकि संतोष थोड़ा टाइम लग रहा था। तो जब तक वो 10 नंबर पहुंचेगा, यहाँ से हम लोग भी अपना काम वगैरह करा के पहुंच जाएंगे। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे मार्केट लगा हुआ पूरा गाड़ी का। यहाँ पे सभी जितने भी मैकेनिक है, सभी कोई भी गाड़ी आप लाओ यहाँ सब बन जाएगी। तो चलो अपनी गाड़ी के काम कराते हैं, संयोग भैया गाड़ी काम कराते हैं। इसके बाद भाई लोग देखो, संयोग भैया की गाड़ी के सस्पेंशन खुले हुए हैं, इनकी गाड़ी का भी काम हो रहा है और साथ साथ ये मेरी गाड़ी का भी काम हो रहा है। मेरी गाड़ी का ऑलमोस्ट हो चुका है चैन पक्का, और वो जो सब कुछ फिक्स कर दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा खराबी थी, अभी हैंडल का हुआ, अभी थोड़ा हैंडल वगैरह क्या है, अभी हैंडल थोड़ा टाइट चल रहा है, उसका काम होना है। बाकी आपके भैया गाड़ी दिखाता हूँ आपको, ये है, इसका पूरा काम एकदम मस्त आज हो जा रही है। इसके बाद तो फिर सही से मिली आएगी। नहीं, पर एक ही प्रॉब्लम ना 15 दिनों में 2 बार आ गई। हाँ, ये मेरे को ज्यादा कर रहा है परेशान, क्योंकि मतलब एक बार ठीक करो फिर दोबारा वही प्रॉब्लम, ऐसा होना नहीं चाहिए। यामाहा की बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है। हाँ, एक ही प्रॉब्लम दोबारा, लेकिन बाकी बिली वगैरह करते शायद इस चक्कर से ये सब हो रहा हो, है ना? हाँ, क्योंकि अभी हमने ना बिली करना चालू किया है, इसलिए थोड़ा सस्पेंशन जो है जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो 4 दिनों से जो हम लोग बिली वगैरह कर रहे हैं ना, इसका थोड़ा इफेक्ट आ रहा शायद से इनकी गाड़ी पे, इसीलिए जो इनकी गाड़ी है ना थोड़ा सस्पेंशन वगैरह जल्दी जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 1 हफ्ते पहले इन्हें चेंज कराया था और अभी फिर कराना पड़ रहा है। बाकी इस बार देखते हैं अगर कैसे चलता है, भैया कैसे बनाते हैं, अगर बढ़िया हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो पूरा काम डन हो चुका है, ये गाड़ी भैया की रेडी हो चुकी है, अभी हम लोग देखते हैं। अभी तो सही लग रहा है, इसका ऑयल सील लीक था यहाँ से, तो इसको लॉक किया है, इधर वाला था ना यहाँ पे, यहाँ से इसको अभी लॉक किया है। बाकी मेरी गाड़ी का काम चल रहा है सामने का, मेरी गाड़ी में भी ये हैंडल काम चल रहा था, इधर थोड़ा ये हिलने लगा था, इसलिए इसको बैठा रहे हैं। 5 मिनट लगेगा, उसका भी काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल लेंगे 10 नंबर के लिए। संतोष भाई आई थिंक 10 नंबर पे आ गया होगा, तो हमारा वेट कर रहा है, तो फटाफट यहाँ से काम करा के निकलते 10 नंबर। गाड़ी का पूरा काम हो चुका है और जस्ट अभी हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी संयोग भैया गाड़ी लेके थोड़ा चेक करके आए, वो बोले सही है, बट मैं भी थोड़ा चला के देखता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी है, मुझे पता है क्या चीज़ थी क्या नहीं थी। कुछ आवाज़ें आ रही, भैया बोल रहे हैं मिडगार्ड से आ रही है थोड़ा, और उसके जो ऊपर से इससे आ रही है, तो मैं भी थोड़ा चला के देखता हूँ कैसी है कि भैया का गाड़ी ये। भैया तुम्हारी परफेक्ट हो गई ना? स्प्रिंग चेंज करवाना है। स्प्रिंग चेंज कराना है भैया, देखो गाड़ी यार एक काम कराने आओ तो अपने आप काम बढ़ जाते हैं। तो भाई अभी गाड़ी सनी को दे दिया हूँ, संयोग भी अपनी गाड़ी का टेस्टिंग करने गए हैं, तो चलो गाड़ी बैठते हैं, 10 नंबर चलते।
गाइस प्लीज शेयर कर देना सभी लोग के साथ, मिलते हैं।